मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रदीप सर। आज हम क्राफ्ट में सीखने वाले हैं क्लॉथ पेंटिंग। ये जो क्लॉथ पेंटिंग है, इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है एक व्हाइट क्लॉथ। जो मैंने व्हाइट क्लॉथ लिया है, उसको मैंने डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हो, चारों भी साइड से मैंने यहाँ स्टिच कर लिया है। डबल फोल्ड किस तरीके से करते हैं, जो हमारा क्लॉथ है उसको फर्स्ट फोल्ड एंड सेकेंड फोल्ड करते हुए यहाँ से स्टिच करते हैं। ओके, सिलाई मशीन के ऊपर स्टिच करते, तो यहाँ मैंने स्टिच करके लिया है। नेक्स्ट हमने लिया है ब्रश और पेंसिल। ये फैब्रिक कलर है, मैंने यहाँ फेविक्रिल के जो एक्रेलिक कलर से फैब्रिक कलर है वो कलर लिए मैंने, या आप ऐसे कैमल के फैब्रिक का भी कलर ले सकते हो, एक्रेलिक कलर ले सकते हो। ये फेविक्रिल के लिए मैंने एक पैलेट और वाटर। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपना क्लॉथ है, इस क्लॉथ के ऊपर पेंटिंग के लिए बेसिक सा एक पेंसिल वर्क करके लेंगे, जो ड्राइंग हमें बनाना है। तो आज मैंने जो ड्राइंग बना रहा हूँ वो ड्राइंग है फ्लावर का। तो मैंने यहाँ पहले से फ्लावर का एक ड्राइंग बना के रखा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बहुत ही बेसिक सा एक तीन फ्लावर और कुछ पत्तियाँ बनाई हैं, जो ये होते हैं पन्ने होते हैं उसके। तो आज हम जो कलर करने वाले हैं, यहाँ मैं अंदर देने वाला हूँ रेड एंड वाइट। ओके, तो ऐसे मैं लाइट कलर करने वाला हूँ। मैंने यहाँ रेड लिया है और एक वाइट कलर है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट हम जो रेड कलर है वो रेड कलर यहाँ लेंगे, रेड कलर लेंगे यहाँ। आप जब काम करोगे, अपना वर्क करोगे, तो आप कोई भी ऐसा एक पेपर जो होता है, वो पेपर अपने कपड़े के नीचे रख लोगे, तो उससे अपना जो नीचे वाला जो सरफेस है वो ख़राब नहीं होगा। ओके, तो जो क्लॉथ पेंटिंग हम करते हैं, तो क्लॉथ पेंटिंग में हम शेडिंग भी करते हैं, शेडिंग भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब आप काम करते हो, तो आपका जो ब्रश है वो ब्रश साफ करने के लिए हर बार आप रफ क्लॉथ का भी यूज़ करो, जैसे नहीं तो ब्रश में पानी जब रह जाता है तो अपना कपड़ा भी खराब हो सकता है। तो मैंने ब्रश अच्छे से धो के लिया है, रफ क्लॉथ से मैं साफ कर रहा हूँ, और फिर एक वाइट कलर इसके अंदर मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे जो कलर मिलेगा, जो मुझे कलर मिलेगा वो एक लाइट कलर मिलेगा, ठीक है। ये कलर मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद, ये मैंने ज़्यादा इसमें पानी यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं किया है, और इसके ऊपर मैं इस तरीके से कलर करूँगा, इस तरीके से कलर करूँगा। आप देख सकते हो, इस तरीके से मैं एक बेसिक सा जो पिंक कलर है वो पिंक कलर करके ले रहा हूं। हम इसमें एक व्हाइट शेडिंग भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक सा जो पिंक कलर है वो पिंक कलर हम दे के लेते हैं। मैंने यहाँ, आप देख सकते हो, ज़्यादा पानी नहीं लिया है। मैंने यहाँ ज़्यादा वाटर का लिया होता तो ये जो कपड़ा है इसके ऊपर जो कलर है वो स्प्रेड हो जाता। तो मैंने यहाँ ज़्यादा पानी, आप अपना जो ब्रश है वो ब्रश, छोटा ब्रश ले सकते हो, बड़े ब्रश आप कंफर्टेबल हो बड़े ब्रश से तो बड़ा ब्रश ले लो। तो इस तरीके से हमने सबसे फर्स्ट हमने यहां बेसिक कलर दे दिया है।
ठीक है। ये बेसिक कलर आपने देने के बाद इस तरीके से बेसिक कलर दे रहा हूं मैं इसका, जो नेक्स्ट हम इसके ऊपर व्हाइट और डार्क रेड से उसको हाईलाइट करेंगे तो ये फ्लावर अच्छे से उभर के आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहां मैंने बेसिक सा कलर देके रखा है। और अब हम इसे क्या करेंगे, जो मेरे पास जो व्हाइट कलर है, इस व्हाइट कलर और रेड कलर को यूज करते हुए इस फ्लावर के अंदर मैं हाईलाइट करूंगा। हाईलाइट करने के लिए मैंने यहां लिया है एक ये ब्रश लिया है, ये ब्रश है 4 नंबर ब्रश। तो ये ब्रश लेते हुए मैं व्हाइट जो कलर है इस व्हाइट कलर से इसे हाईलाइट करूंगा इस तरीके से। और थोड़ा सा रेड कलर लेते हुए उसके अंदर अच्छे से मिक्स करूंगा। इस तरीके से और फिर नेक्स्ट रेड कलर से लेके उसको इस तरीके से ठीक है आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने हाईलाइट किया है। अभी जो बाकी जो पेटल्स है उसको भी हम करके लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ मैंने जो सेंटर वाला फ्लावर है वो कंप्लीट कर दिया है। अब हम जो येलो शेड वाला जो है उसे हम करेंगे। येलो शेड में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर या ग्रीन कलर डालेंगे थोड़ा सा येलो कलर में, तो ये जो इसका जो शेड है वो शेड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ हमने लिया है येलो, येलो कलर लिया है और इसमें हम लाइटली या लाइटली हम ग्रीन कलर लेते हुए उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें थोड़ा सा येलो ओकर कलर हुआ तो भी चलेगा आपके पास। और इस तरीके से मैं कलर दे रहा हूं इस तरीके से मैंने यहां इस तरीके से कलर दे रहा हूं मैं। बहुत हल्के हाथ से कलर देना है। और नेक्स्ट हम उसके ऊपर व्हाइट कलर जो है हमारा जो व्हाइट कलर है उसका शेड करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे। जो अपना पहले हमने जो लाइट ग्रीन दिया है वो सूखने के पहले ही ये होना चाहिए, नहीं तो आप एक एक पेटल दे दो इस तरीके से। आप देख सकते हो यहां मैंने तीनों भी फ्लावर को कलर कर दिया है। अब जो ये लीफ है उसको हम कलर करेंगे। मैंने यहाँ ग्रीन कलर कर दिया है, ग्रीन कलर ले लिया यहाँ
पहले मैंने ऑलरेडी येलो शेड दे दिया था, तो अब ये जो ग्रीन है हम इस तरीके से दे देंगे। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा येलो कलर डालेंगे। इस तरीके से, और इसे सिर्फ स्ट्रोक देंगे, इसे सिर्फ स्ट्रोक देंगे। ये जब मैं स्ट्रोक दे रहा हूं तो आप देख सकते हो मैंने यहां ऐसे ब्रश पकड़ा है और इस तरीके से सिर्फ अंदर से बाहर के साइड में सिर्फ स्ट्रोक दे रहा हूं। आगे आगे ड्राई ब्रश आएगा ये। इस तरीके से सिंपल सा मैं स्ट्रोक दे रहा हूं उसके ऊपर। पहले हमने येलो दिया था, फिर लाइट ग्रीन, और उसके ऊपर सिर्फ डार्क ग्रीन से उसको हाईलाइट कर रहा हूं। इस तरीके से हमने हाईलाइट किया है। ओके, सो अब यहां मुझे जो मिसिंग लग रहा है, ये जो दो फ्लावर है उसमें मैंने डार्क शेड नहीं दिया है, तो उसे हम डार्क शेड दे देंगे, फिर ये ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसे बोलते हैं क्लॉथ पेंटिंग। अब ये जो क्लॉथ है, ये जो मैंने बनाया हैंकी बनाया है, तो आप इसे कुशन के ऊपर बना सकते हो। कुशन का जो पिलो का जो कवर होता है ना, पिलो कवर, उसके ऊपर बना सकते हो, बेडशीट के ऊपर बना सकते हो। अपना कोई ड्रेस होता है तो ड्रेस के ऊपर कोई पैच बना सकते हो। तो इसके लिए आपको जरूरी है प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस किसी भी क्लॉथ के ऊपर बना सकते हो, जो कॉटन कॉटन क्लॉथ होता है यानी हैंकी होता है अपना, तो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करके फिर आप फाइनल भी बना सकते हो। तो अब इसे मैं हाईलाइट करने के लिए मैंने ऑरेंज और ये यहां मैं थोड़ा सा येलो शेड दे देने वाला हूं। तो मैं पहले ऑरेंज कलर ले लूंगा और ऑरेंज कलर से उसे फ्लावर को हाईलाइट करूंगा इस तरीके से। इस तरीके से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये जो फैब्रिक कलर है वो कपड़े के ऊपर ही अच्छे से बैठ जाते हैं, तो ये धोने के बाद भी निकलते नहीं है, तो उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फैब्रिक कलर का है, अभी इसको हाईलाइट करने के बाद वो अच्छे से उठ के दिख रहा है। नेक्स्ट हम सेम ये जो ग्रीन वाला है उसके लिए मैं येलो कलर दे रहा हूं। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो ये पेंटिंग है वो कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये कंप्लीट पेंटिंग कंप्लीट करना है और उसका जो पिक है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेज देना है। थैंक यू।